टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिजोल्यूशन किसे बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल फोर्स इन टू टू कॉम्पोनेंट्स दैट टर्म इज सेड टू बी रिजोल्यूशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक फोर्स अप्लाई की हो और उसमें स्प्लिट कर दिया हो दो टर्म्स दो फोर्सेस के साथ, उस टर्म को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इन टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
perpendicular by hypotenuse. So perpendicular हमारा क्या है? AB. Perpendicular is AB. AB by OA. So AB is equal to FY and OA is F. तो यहाँ से FY की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? FY is equal to F sine theta. तो इससे पहले हम इससे ये फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज राइट करेंगे. OB किस इक्वल है? OB is equal to FX. Here the value of OB is equal to FX and OC is equal to FY. तो इससे हम बोल सकते हैं OB अगर ये इतनी इक्वल है लेंथ, तो ये इसकी इक्वल है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? इसकी इक्वल होगी. So means OB is equal to CA which is equal to FX. Means अगर OB हमारा FX है और OB और इसकी सी लेंथ सेम है AC की या CA की, तो ये FX फोर्स इस पे लग रही है, तो ये भी इस पे भी क्या लगेगी? FX. अगर यहाँ AB लॉन्ग x एक्सिस है ये और इसकी इतनी लेंथ सेम है, तो CO किसके इक्वल होगा? AB के, which is equal to FY. So OC is equal to AB which is equal to FY. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे हमने निकाला इन ट्रायंगल OAB, OAB ट्रायंगल लिया तो उसमें फोर्स F लग रही है. कोस थीटा हमने निकाला बेस बाय हाइपो व्हिच इज इक्वल टू OB बाय OA मींस FX बाय F. तो हमने यहां से FX की वैल्यू क्या निकाली? F cos थीटा. ऐसे ही हमने sin थीटा निकाला व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपो. तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपो क्या है? OA. सो कितना आ जाएगा हमारे पास? sin थीटा इज इक्वल टू FY बाय F व्हिच इज इक्वल टू FY इज इक्वल टू F sin थीटा. तो नेक्स्ट अब हम करेंगे इस, हमने एक फोर्स ली और उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. सो हमने क्या लिखा? द फोर्स एफ इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. एक फोर्स को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. सो वेक्टर आई एंड जे अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू. सो अगर हम बात करें आई और जे कंपोनेंट्स की, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम उसको स्प्लिट करें, I और J components को split करें, तो किसके equal होगा? If I and J are the unit vectors along X and Y axis, if I vector and J vector, if I and J are the unit vectors along X and Y axis, तो हमारे किसके equal होगा? Are the unit vectors along X axis and Y axis, along X axis and Y axis and Y axis, तो हमारी फोर्स किसके इक्वल होगी? F is equal to Fxi plus Fyj. तो ये हमारा होगा resultant force which is equal to Fxi plus Fyj. तो ये था हमारा topic resolution of force into rectangular components. Next our topic is न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इसमें हम थ्री लॉ स्टडी करेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आफ्टर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूटन्स law of motion. Newton's law of motion तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एवरीबॉडी कंटिन्यूस टू रिमेन इन इट्स स्टेट
तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी स्टिल जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर हमारी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसपे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक हम उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में आएंगे उसके बाद फोर्स अप्लाई होगी तो फिर वो बॉडी क्या है स्टेट से मोशन में हो जाएगी, मोशन से रेस्ट पे हो जाएगी। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल स्टिल देयर, लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स देयर अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी स्टिल रेस्ट में ही रहेगी।
एट रेस्ट। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा न्यूटन के लॉ, क्या है थ्री लॉज है इनर्शिया के। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या पढ़ेंगे हम, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी
डायरेक्शन में मूव करेगी। जब कार बेंड हुई तो हमारी बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो वापस अपनी क्या है उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। अपने आप वो क्या है पर्सन अपनी वापस अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे वो बैठा था स्टील उसकी बॉडी क्या है वैसे ही हो जाएगी। बट जब कार ने बेंड किया तो क्या है टर्न लिया तो हमारी बॉडी भी क्या है इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बट वापस हमारी क्या है वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। दैट टर्म इज सेड टू बी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज लॉज ऑफ इनर्शिया। सो सेकंड टॉपिक इज, सो हम लास्ट पढ़ रहे थे, सो ये था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। सेकंड हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to, is directly proportional to applied force, to applied force, and takes place in the direction of force, and takes place in the direction of force, in the direction of force। That term is said to be Newton's second law of motion। So बाकी का अब हम next lecture में discuss करें।